गणपति बाप्पा आ चुके हैं इस साल हमारे साथ 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक रहेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह हम इन दिनों का बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह हम अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच। मैं लाती हूं आप तक जानकारी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और साथ ही अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने से रिलेटेड। गणपति बाप्पा आ चुके हैं, अब की बार गणेश चतुर्थी में हम सबको करना है एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपने सपनों को साकार करने के लिए। जी, हम सब जानते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और हमारे ऑब्स्टेकल्स को हटाने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं, तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो भी पूरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इस पावन वक्त को हमें पूरी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। ये उपाय, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक दोनों के लिए ही है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने के लिए आपको ज़रूरत है एक छोटा सा मिश्रण तैयार करने की, हल्दी, चंदन, कुंकू। इसको गुलाब जल के साथ मिक्स करके एक तो आप उपटन जैसा बना लीजिए। फिर आपको लेना है एक पेपर और छोटे से, जैसे कि ईयरबड होता है या कोई छोटी चीज़, उसको लेकर आपको उस पेपर पे लिखनी है अपनी विशेस। यहाँ तक तो हम सबको करनी है कॉमन चीज़, ठीक है। अब इसके बाद जिन लोगों ने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है उन्हें करना है ये कि जब भी हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसके नीचे जैसे एक छोटा आसन होता है, आपको जब आपका पेपर जिसमें आपने विशेस लिखी है ये सूख जाए तो उसे फोल्ड करके उसके नीचे रख देना है। और जब आप विसर्जन के लिए जाएं तो साथ ही अपने इस मैनिफेस्टेशन के पेपर को भी ले जाना है और उसे विसर्जित कर देना है। कई लोग घर में बने हुए इको फ्रेंडली गणेश जी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे में जब आप उन गणेश जी का विसर्जन करें तो उसी वक्त आपको उस पेपर को भी विसर्जित कर देना है साथ ही साथ। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग मूर्ति की स्थापना नहीं करते हैं, ऐसे में वो कर सकते हैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक किसी भी गणेश जी की मूर्ति जो उनके घर में है या उनके टेंपल में है या कोई तस्वीर जो उनके पास है इसके साथ। अगर ये भी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि एक सुपारी ले सकते हैं और उस पे ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने पेपर बनाया था अपना विश का उसको फोल्ड करना है प्रॉपरली। अगर आप तस्वीर के साथ कर रहे हैं तो तस्वीर के पीछे रख देंगे आप उस पेपर को, और अगर आप सुपारी के साथ कर रहे हैं तो आप सुपारी के नीचे उस पेपर को रख देंगे अपनी मनोकामना के लिए। और फिर लास्ट दिन जो विसर्जन का होता है उस दिन तक उस पेपर को रखेंगे और साथ में फिर जाके उस पेपर को विसर्जित कर देंगे। विसर्जित अगर आप ना कर पाए तो आप उसको मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं, अपनी विशेस को पौधों में भी लगा सकते हैं, पौधों की मिट्टी में भी लगा सकते हैं अपने पेपर को। तो इस तरह आपको मांगनी है अपनी सारी मनोकामनाएं हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी से। हो सके तो आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को गणेश चतुर्थी के दिनों में कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते किसी कारणवश तो आप
संकष चतुर्थी के दिन भी इसको कर सकते हैं। हर महीने संकष चतुर्थी आती है, आप उस डे को नोट डाउन कीजिए, उस दिन अपने मैनिफेस्टेशन को पेपर पर लिखिए अपने उपटन के साथ, और उसे एक महीने तक गणेश जी की मूर्ति के नीचे या आपका जो पिक्चर है उसके पीछे रखिए, और एक महीने बाद उसे ले जाकर धरती में गाड़ दीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन को। साथ ही गणेश जी को शुक्रिया अदा कीजिए और कामना कीजिए कि आपकी इच्छाएं पूरी हो और सफल हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और उत्साह के साथ ऐसे कई सारे वीडियोस आप तक ला सकूं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहें तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। हमारी कम्युनिटी में हम कई सारे फ्री वर्कशॉप्स लाते हैं, हीलिंग से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड और कई सारे ओकल्ट से रिलेटेड ज्ञान के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। गणपति जी करें कि हम सब की मनोकामना पूरी हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।